Hello, people. सबको लगने लगा है शायद ये बहुत ज्यादा कठिन लाल तो सच है इतना खाना चलो खा लेती हूँ। चलो फटाफट से ये बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। और ये सारा खाना भेजा है हमारी प्यारी सी दोस्त क्यूरी राहुल कदौरिया ने, जो हमेशा ऐसे टेस्टी टेस्टी खाना भेज के हमें सरप्राइज करता रहता है। ये खाना है मेरे और श्रीकांत के लिए। श्रीकांत अभी बाहर है, वो जस्ट अभी आ रहा है, लेकिन उसके आने से पहले नमकीन फिर मीठा, ये श्री की टेक्निक है। नमकीन फिर मीठा, फिर मीठा, फिर नमकीन, नमकीन मीठा। और पापड़ी आई डोंट नो, और इसको क्या कहते हैं। आई थिंक इसके अंदर तो चाय है, क्योंकि मसाला चाय से अलग अलग चाय लाता है। और ये नॉनवेज चेक दृष्टि के लिए छोड़ देते हैं, बाकी सब मैं लपेटती हूँ। तो फाइनली हॉलीडे डिनर ये सब बहुत ज़्यादा हो गया। और जो आज क्यूटी ने इतना सारा खाना भेजा, उसके बाद हमें रियलाइज हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो आज फाइनली 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 जिम आ गए हैं। हाँ जी, हो गया आज जिम। आज काफ़ी दिनों के बाद जिम किया तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हालत हो रही है टाइट। तो यहाँ से निकलती हूँ, फिर आपसे वापस बात करती हूँ। बहुत दिनों के बाद वर्कआउट करो तो यही हाल होता है। तो ये है मुंबई की रोड्स का हाल। वन सेकंड, मैं दिखाती हूँ।
ये लेन है, ये है एग्जैक्टली सिटी मॉल के सामने, अंधेरी की सबसे हैपनिंग प्लेस, अंधेरी का जितने जितने लाउंज जितने क्लब्स इस लेन में है, आई डोंट थिंक किसी और लेन में है भी अनफॉर्चुनेटली हमारा। इट्स ओके आई अंडरस्टैंड। अनफॉर्चुनेटली हमारा जिम भी इसी लेन में है और ये लेन इतनी खराब है, आई डोंट नो, इतने ऑफिसेज हैं अंधेरी के, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज, टी सीरीज का ऑफिस यहाँ पर है, जितने नामचीन मैं प्रोडक्शन हाउसेज के नाम लूंगी ना वो सब इस लेन में है, फिर भी कैसे, मतलब ये लेन इतनी खराब है कि कोई कंप्लेन भी नहीं करता है, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मतलब बारिश में बाइक्स वाले यहाँ से निकलते होंगे तो आई एम श्योर दिन में 15 से 20 लोग तो गिरते ही होंगे, और गाड़ियों के तो जो शॉकअप्स का हाल होता है वो तो आप समझ ही सकते हो, इतने खड्डे हैं और बारिश में इतना कीचड़, इतनी गंदगी, इतनी बदबू, इतनी ज्यादा बीमारी फैलने के चांसेस हैं, लेकिन कोई कंप्लेन करने वाला नहीं और ना ही कोई देखने वाला है, और हम टैक्स पे करते हैं। हाँ जी, तो देखा आपने रोड का क्या हाल था, मुझसे तो देखो ये हाल देखा नहीं जा रहा है, तो मैं तो फिलहाल इस रोड के लिए एक कंप्लेन डालने वाली हूँ। और एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बीएमसी ने एक वेबसाइट खोला है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल के रखूंगी, अगर आप लोग चाहें तो उस लिंक पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और अपने आसपास के जो रोड्स हैं, गार्डन हैं, पार्क्स हैं, जो बच्चों के खेलने की जगह है, या फिर बीएमसी से रिलेटेड अगर आप कोई भी कंप्लेन करना चाहें तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को ओपन कीजिए और अपने कंप्लेंट्स, अपने एरिया के आसपास की जगहों के कंप्लेंट्स, जो आपको लगता है कि रोड्स बहुत खराब हैं, तो प्लीज आप उस पे जाकर कंप्लेंट जरूर करें। सो आई एम डूइंग माय बिट, बातें करने से कुछ नहीं होगा, अगर हम इसके अगेंस्ट मिलकर कुछ करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सुधार आएगा। मैं फिलहाल कंप्लेंट करने जा रही हूँ इस रोड के लिए, और उसके बाद जिम से आई हूँ, भूख लगी है तो कुछ खा पी भी लेती हूँ, तो फिर मिलते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो आपने देखा आज का डिनर क्या है, सैलेड, बीटरूट और पनीर, जो जिसके ऊपर थोड़ा सा जीरा भून के मैंने डाला है और थोड़ा सा काला नमक। तो आज डिनर किया जाएगा थोड़ा लाइट, बिकॉज इतने दिन से बदतमीजी चल रही है, इतना खाना खा रहे हैं। आज क्या है, जिम, थोड़ा सा रूटीन में आना है। अभी बज रहे हैं शाम के 8, तो मैं थोड़ा सा लाइट डिनर करके अपने इस रूटीन को थोड़ा सा ठीक करूँगी। जब आप अपने साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर लेते हो तब इस तरह से लाइट डिनर भी आपको अच्छा लगता है, तो मुझे जेन्युइनली अच्छा लग रहा है इस तरह से खाना खा के, पेट भी कह रहा है बस कर यार, कितना कचरा डाली अंदर, मतलब कुछ भी खा रही हूँ यार। ठीक है जी, आज के ब्लॉग के लेते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लव एंड पीस।